हेलो फ्रेंड, CWK में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 9 साइंस का सेकंड चैप्टर। पार्ट नंबर 4 है। चैप्टर को आज हम फिनिश करेंगे। चैप्टर का नाम है यहाँ पे इज मैटर अराउंड अस प्योर। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो हमारा लास्ट टॉपिक रहता है कि जो अलग अलग सेपरेशन प्रोसेस है वो हम उनके बारे में यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट सेपरेशन प्रोसेस में क्या होगा, जो मिक्सचर होगा सॉलिड और लिक्विड, इन दोनों को कैसे यहाँ पे सेपरेट किया जाएगा, इनके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे इसकी स्टडी करने से पहले हमें फिल्टर पेपर के बारे में पता होना चाहिए। फिल्टर पेपर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक राउंड पीस होता है, मतलब कि गोल आकार का होगा यहाँ पे। इसमें लाखों यहाँ पे छोटे छोटे सुराख देखने को मिलेंगे। इसे यहाँ पे जो फिल्टर पेपर में यहाँ पे बहुत छोटे सुराख होते हैं, इसे हम अपनी आंखों से बिल्कुल भी नहीं देख सकते, लेकिन हाँ विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप वी कैन इजिली सी, हम इसे देख सकते हैं। अब यहाँ पे इसकी वर्किंग ठीक है कैसे होगी, जैसा कि यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा है कि फिल्टर पेपर यहाँ पे गोल आकार का है। सबसे पहले हम इसे फर्स्ट फोल्ड करेंगे सेंटर में से, ठीक है। फर्स्ट फोल्डिंग यहाँ पे की। अब इसके बाद इसे फिर से सेंटर में से फोल्ड करेंगे, यहाँ पे सेकंड फोल्डिंग इस प्रकार से होगी। अब इसे हम यहाँ पे जो फनल या कीप जो होती है उसमें हम रख देंगे इसको इसमें, ठीक है। अब जैसे ही हम यहाँ पे जो लिक्विड होगा, ठीक है, जिसमें यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल्स होंगे, जब इसको हम पास करवाएंगे तो सॉलिड पार्टिकल्स तो यहाँ पे रह जाएंगे, लेकिन जो लिक्विड होगा वो आसानी से यहाँ पे पास हो जाएगा, ठीक है। इस तरह इसकी यहाँ पे वर्किंग होती है फिल्टर पेपर की। इसको हम आगे देखेंगे डिटेल में क्या क्या इनका इस्तेमाल होगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल के ऊपर 6 से लेकर 12 तक के सभी सब्जेक्ट यहाँ पे करवाए जा रहे हैं, साइंस 7 से लेकर 10 तक की, स्पोकन कोर्स, गवर्नमेंट एग्जाम सभी की यहाँ पे वीडियो बन रही है। इन सभी की प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी, चैनल के ऊपर जाके आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे फर्स्ट प्रोसेस की ओर मूव करते हैं। फर्स्ट प्रोसेस है यहाँ पे सेपरेशन बाय फिल्ट्रेशन। यहाँ पे फिल्ट्रेशन की मदद से हम कैसे अलग कर सकते हैं सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स को, ठीक है, सॉलिड पार्टिकल्स को लिक्विड से कैसे अलग कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है कि जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं, इनसॉल्युबल मतलब कि जो पानी में मिक्स नहीं होते, अब उनको हम लिक्विड से कैसे अलग कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको फिल्ट्रेशन की मदद से हम कर सकते हैं अलग। हम इसमें एग्जाम्पल देखेंगे सैंड और वाटर की। यहाँ पे जो सैंड है, जो मिट्टी है, वो पानी में बिल्कुल भी नहीं घुलती, ठीक है। अब उसको हमने अलग करना है पानी से, तो कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन प्रोसेस। अब जैसा कि यहाँ पे देखो कि डायग्राम में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे क्या एक फनल है, अब यहाँ पे नीचे एक बीकर रखा हुआ है, ठीक है, जिसमें जो लिक्विड होगा वो इसमें आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो आपको साइड में दिख रहा होगा, ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे फिल्टर पेपर है। अब यहाँ पे जो मिक्सचर होगा, मिक्सचर में क्या होगा, यहाँ पे इनसॉल्युबल सॉलिड और लिक्विड, ठीक है, हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे सैंड ले रहे हैं, मिट्टी ले रहे हैं। दोनों का यहाँ पे मिक्सचर होगा। जब हम उसे फनल में यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ पे जो लिक्विड होगा वो क्या होगा, फिल्टर पेपर से यहाँ पे वो नीचे बीकर में आ जाएगा, और यहाँ पे जो मिट्टी होगी, सैंड होगी, वो यहाँ पे रह जाएगी। अब इसे हम क्या बोलेंगे, रेसिड्यू बोलेंगे। रेसिड्यू मतलब कि अवशेष, मतलब कि जो हिस्सा बच चुका है, ठीक है, वो क्या है यहाँ पे, मिट्टी। तो आई होप आपको यहाँ पे फर्स्ट प्रोसेस समझ में आया होगा। अब इसकी डे टू डे लाइफ में एग्जाम्पल देखने को मिलेगी। अब जैसे चाय पत्ती, जो आप चाय को छानते हैं, ठीक है, चाय छालने की मदद से, अब इसमें क्या होता है कि जो चाय होती है वो चल के यहाँ पे कप में आ जाती है, ठीक है, और जो यहाँ पे चाय पत्ते होती है या रेसिड्यूज होते हैं, अवशेष होते हैं, वो छालनी में यहाँ पे आ जाती है, क्लियर है। अब यहाँ पे एक प्रोसेस हम और देख लेते हैं कि जो ड्रिंकिंग वाटर होता है सिटी में वो कैसे सप्लाई किया जाता है, इसकी वर्किंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे रिवर है, अब रिवर यहाँ पे पाइप लगाया हुआ है, सो पाइप की मदद से पानी यहाँ पे जाएगा पंपिंग स्टेशन जो होते हैं, ठीक है, वो पंप करेंगे। अब यहाँ पे जो पानी यहाँ से लिया जाएगा रिवर से, उसको यहाँ पे जो सेडिमेंटेशन टैंक है उसमें डालेंगे। सेडिमेंटेशन टैंक में क्या होगा कि पानी कुछ समय के लिए ऐसे ही रहेगा, इसमें जो भी सॉलिड पार्टिकल्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे कंकर पत्थर वगैरह हो गए या अदर्स जो हो गई चीजें, कुछ समय के बाद वो पानी के नीचे यहाँ पे बैठ जाएंगी, ठीक है, यहाँ पे जितने भी ये
सॉलिड पार्टिकल्स होंगे। उसके बाद अब इसे कहां पे भेजा जाएगा, अब इसे लोडिंग टैंक में भेजा जाएगा, ठीक है, लोडिंग टैंक में। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो एल्यूम यहाँ पे होते हैं फटकड़ी, अब इसको मिलाया जाता है, ठीक है। क्यों मिलाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो क्ले पार्टिकल्स होते हैं इसे रिमूव करने के लिए यहाँ पे एल्यूम यानी कि फटकड़ी को मिलाया जाता है, क्लियर है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो क्या है, यहाँ पे फिल्ट्रेशन टैंक। फिल्ट्रेशन टैंक यहाँ पे थ्री लेयर्स में होता है। फर्स्ट लेयर यानी कि यहाँ पे टॉप लेयर देखने को मिलेगी, इसमें फाइन सैंड लेयर होगी, ठीक है, फाइन सैंड लेयर होगी। अब इसके बाद यहाँ पे जो सेकंड होगी वो मिडल लेयर होगी, इसमें क्या होगा, यहाँ पे कोर्स सैंड लेयर होगी, ठीक है। थर्ड यहाँ पे बॉटम देखने को मिलेगी जो क्या होगी, यहाँ पे ग्रेवल्स, मतलब कि यहाँ पे जो टीनी स्टोन्स होते हैं, छोटे छोटे स्टोन्स, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। थ्री लेयर्स होगी यहाँ पे, जो पहली दो लेयर है, पहली दो मतलब जो टॉप और बॉटम जो लेयर है सैंड एंड ग्रेवल, यहाँ पे ये फिल्टर्स की तरह यहाँ पे एक्ट करती है। अब जितने भी यहाँ पे सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे वो रिमूव हो जाएंगे फिल्ट्रेशन टैंक में, ठीक है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस में इसमें। अब इसके बाद यहाँ पे पानी को भेजा जाएगा क्लोरीनेशन टैंक में। क्लोरीनेशन टैंक, इसमें क्लोरीन जो गैस होती है इसे ऐड किया जाता है। सो क्लोरीन गैस जो होती है या क्लोरीन जो टेबलेट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका इस्तेमाल होता है कि जो जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं, उन्हें मारने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्लियर है। अब इसके बाद यहाँ पे जो पानी मिलेगा वो बिल्कुल यहाँ पे प्योर होगा, उसमें अब कोई भी यहाँ पे जर्म्स या अदर जो पार्टिकल्स होंगे वो बिल्कुल भी शामिल नहीं होंगे, स्वच्छ पानी होगा। यूज करने के लिए पंपिंग स्टेशन की मदद से अब इसे जो वाटर स्टोरेज टैंक होता है जैसे सिटीज में होते हैं ना, सो उसके बाद यहाँ से पानी जो होता है वो घरों में पहुंचाया जाता है, ठीक है। सो टैप की मदद से हम यहाँ से पानी निकाल लेते हैं घरों में, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे प्रोसेस समझ में आया होगा, बहुत आसान प्रोसेस है, आप इसे अपनी लैंग्वेज में आसानी से लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से रिमाइंड कीजिए वीडियो को, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। सो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं अभी हम। सो इस चैनल के ऊपर यहाँ पे जब आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखोगे, नीचे आपको इस तरह के ऑप्शन दिखेगी यहाँ पे शो मोर के, अगर आप कंप्यूटर के ऊपर देख रहे हो, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास नाइन्थ की सभी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वीडियो को फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक वीडियो क्लास नाइन्थ की उठा लेना, उसके नीचे आपको सभी क्लास नाइन्थ की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। सो नेक्स्ट यहाँ पे सेकेंड यहाँ पे प्रोसेस करेंगे सेपरेशन बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। तो इसमें क्या होगा कि जो फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे उन्हें लिक्विड से अलग किया जाता है, ठीक है। अलग तो अभी हमने फिल्ट्रेशन प्रोसेस से भी देखा था, लेकिन यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है ये बहुत ज्यादा स्लो था, ठीक है। इसलिए अगर हमें थोड़ा फास्ट यहाँ पे रिजल्ट चाहिए तो हम यूज करेंगे मैथड ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। अब इसमें एक मशीन का इस्तेमाल किया जाता है जिसे सेंट्रीफ्यूज कहा जाता है। सो सबसे पहले मशीन देख लेते हैं किस प्रकार की मशीन होती है। तो ये इस प्रकार की यहाँ पे मशीन होती है, सेंट्रीफ्यूज मशीन इसे बोला जाता है, क्लियर है। सो चलिए यहाँ पे देखते हैं। अब इस मेथड में क्या होगा, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे लिक्विड में से अब उसे अलग किए जाते हैं। जो भी मिक्सचर होगा, मिक्सचर को हम क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, रोटेट करेंगे बहुत ही हाई स्पीड के ऊपर सेंट्रीफ्यूज मशीन में। अब देख लेते हैं कि कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या होगा, जो मिक्सचर होगा जिसमें यहाँ पे पार्टिकल्स हैं लिक्विड में, ठीक है, दोनों मिक्स है यहाँ पे, अब उसे हम टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, ठीक है। सो टेस्ट ट्यूब किस प्रकार की होगी वो भी देख लेते हैं। तो इस तरह की यहाँ पे टेस्ट ट्यूब आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, ये जो टेस्ट ट्यूब होती है। सो चलिए देख लेते हैं, बाद में देखेंगे डायग्राम। तो यहाँ पे जो टेस्ट ट्यूब होगी, अब उसे हम जो सेंट्रीफ्यूज मशीन है अब उसमें रखेंगे और इसे बहुत तेज स्पीड के कुछ समय के लिए यहाँ पे हम इसे रोटेट करेंगे। सो रोटेट करने के बाद यहाँ पे जो हैवियर पार्टिकल्स होंगे, सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे जो हैवियर होंगे वो नीचे चले जाएंगे, और जैसे कि जो लिक्विड होगा वो लाइटर फॉर्म में होगा वो ऊपर रह जाएगा। सो इस तरह हम इसका इस्तेमाल करते हैं पार्टिकल्स को अलग करने के लिए। अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे डायरी होती है, दूध वाली जो डायरी होती है, वहां पे भी इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। क्रीम निकालनी होती है मिल्क से, अब इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब क्रीम क्या होगी, यहाँ पे ये हैवी होती है, ठीक है, ये नीचे बैठ जाएगी।
जो मिल्क होगा वो हल्का होगा, वो ऊपर बैठ जाएगा। सो ऐसे में यहाँ पे मिल्क को रिमूव करके जो क्रीम होती है वो आसानी से निकाल ली जाती है इनके द्वारा। हॉस्पिटल्स में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये देखने से पहले, अब ये यहाँ पे डायग्राम पहले देख लो। सो यहाँ पे जो सेंट्रीफ्यूज यहाँ पे मशीन है, सो इसमें क्या होगा, यहाँ पे टेस्ट ट्यूब लगी हुई है। जब ये बहुत तेजी के साथ यहाँ पे स्पिन यहाँ पे घूमेंगी, सो यहाँ पे जो सॉलिड पार्टिकल्स या सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे वो नीचे आ जाएंगे, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और यहाँ पे जो लिक्विड होगा वो ये रहा, ठीक है, वो ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह यहाँ पे इसकी वर्किंग है। अब जैसे यहाँ पे दोनों यहाँ पे मिक्स हैं, ठीक है, लिक्विड में सॉलिड पार्टिकल्स। अब लेकिन जब यहाँ पे मशीन में घुमाने के बाद यहाँ पे क्या होगा, जो सॉलिड पार्टिकल्स नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे लिक्विड होगा ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। सो इस तरह इसकी वर्किंग देखने को मिलती है। हॉस्पिटल्स में कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है, अब जैसे कि जो ब्लड होता है, ब्लड में यहाँ पे ब्लड सेल्स और प्लाज्मा जिसे हम लिक्विड बोलते हैं वो दोनों यहाँ पे मिक्स होते हैं। अब यहाँ पे टेस्ट करने के लिए जो ब्लड सेल्स उसको यहाँ पे अलग किया जाता है, ठीक है, इसी मशीन में इस्तेमाल किया जाता है। सो उससे घुमाया जाता है बहुत तेजी के साथ, जो ब्लड सेल्स होंगे वो नीचे बैठ जाते हैं और जो प्लाज्मा जो लिक्विड होगा वो ऊपर यहाँ पे, ठीक है, अलग हो जाते हैं। सो इस वे के साथ यहाँ पे मेडिकल्स में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है, हॉस्पिटल्स में। सो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, सो नीचे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। सो पीडीएफ फाइल को परचेज भी कर सकते हैं बहुत ही कम कॉस्ट के ऊपर, अगर आपको यहाँ पे मेरी वीडियोस अच्छी लगती है और नोट्स आप खरीदना चाहते हैं तो। क्लियर है, सो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। तो यहाँ पे आगे हम थर्ड प्रोसेस की ओर मूव करेंगे, सेपरेशन बाय इवेपोरेशन। इवेपोरेशन से हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। अब इस प्रोसेस में क्या होगा, यहाँ पे जो लिक्विड होगा अब उसे यहाँ पे वेपर्स में चेंज किया जाता है। इस प्रोसेस को बोला जाता है इवेपोरेशन, ठीक है। इसके बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में भी डिटेल में देखा था। सो यहाँ पे क्या होता है कि जो यहाँ पे इवेपोरेशन प्रोसेस में जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो पानी में घुले हुए होते हैं, ठीक है, या पानी में लगा लो या कोई भी जो अदर लिक्विड है उसमें अगर, तो वो डिजोल्व है, उसको यहाँ पे अलग किया जाता है इवेपोरेशन के द्वारा, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसे यहाँ पे जो समुन्द्र में नमक होता है, ठीक है, समुन्द्र में नमक मिक्स होता है, सो उसके बारे में हमने थर्ड पार्ट में देखा था कि कैसे उसे अलग किया जाता है, वो क्या प्रोसेस होता है, वो भी तो इवेपोरेशन का ही प्रोसेस होता है। क्लियर है, सो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। अब यहाँ पे जो साल्ट यहाँ पे पानी में मिक्स होता है, अब इसे अलग किया जाता है विद द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। सो कैसे किया जाता है, यहाँ पे जो कॉमन सॉल्ट होगा और वाटर होगा, अब इसे चाइना जो डिश होगी अब इसमें लिया जाएगा, अब इसे गर्म किया जाएगा, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे बर्नर की मदद से दिखाया गया है। सो यहाँ पे चाइनीज डिश है, सो इसमें यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलेगा सॉल्ट वाटर का, ठीक है, दोनों यहाँ पे मिक्स होंगे, तब इसे यहाँ पे जब गर्म किया जाएगा तो यहाँ पे जो पानी होगा वो वाटर वेपर की फॉर्म में बनेंगे और यहाँ पे वो एस्केप हो जाएगा एटमोसफियर में। सो बाद में यहाँ पे क्या बचेगा, हमारे पास सिर्फ यहाँ पे सॉल्ट ही बचेगा, जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है, ठीक है। सो इसका यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पे जो सॉल्ट होता है सी वाटर से ऑब्टेन करने के लिए इवेपोरेशन की मदद से यहाँ पे इसे हासिल किया जाता है। सो यहाँ पे नेक्स्ट मूव करते हैं हम फोर्थ प्रोसेस की ओर, प्योरिफिकेशन बाय क्रिस्टलाइजेशन। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पे जो प्रोसेस होगा, अब इसमें जो हॉट और कंसेंट्रेटेड जो सोल्यूशन होता है अब उसे पहले तो ठंडा किया जाता है, ठंडा करने के बाद यहाँ पे जो क्रिस्टल्स यहाँ पे ऑब्टेन यहाँ पे प्राप्त किए जाते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, क्रिस्टलाइजेशन बोला जाता है। अब जो इसका इस्तेमाल किया जाता है, अब जैसे हमारे पास कोई भी इम्प्योर यहाँ पे सॉल्यूशन है, अब इसमें से जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो हमने अलग करने हैं, ठीक है, सेपरेट करने हैं, सो हम क्रिस्टलाइजेशन की मदद से करेंगे। इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि कॉमन सॉल्ट होता है जो सी वाटर से ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है, अब इसमें यहाँ पे इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं, अब इसे प्योरीफाई किया जाएगा विद द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। अब आप सोचोगे यहाँ पे ये प्रोसेस तो अभी हमने इवेपोरेशन में भी देखा था, हाँ ठीक है, इवेपोरेशन में भी देखा था, क्रिस्टलाइजेशन की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों में यहाँ पे डिफरेंस क्या हुआ, यहाँ पे डिफरेंस ये है
कि जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है ये बहुत शानदार है, बहुत अच्छा है इन द सेंस इवेपोरेशन से, ठीक है। कैसे? अब यहाँ पे इवेपोरेशन में क्या होता है कि जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं यहाँ पे, वो डिकम्पोज हो जाते हैं, या जब उसे हीटिंग यहाँ पे दी जाती है, वो कुछ यहाँ पे जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो जल जाते हैं, ठीक है, वो खराब हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है क्रिस्टलाइजेशन में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पे जितना भी सॉलिड सब्सटेंस होगा यहाँ पे उसे बचा लिया जाता है, वो खराब नहीं होता, ठीक है। पहला तो ये पॉइंट हो गया क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में। दूसरा क्या होगा यहाँ पे, जो सॉल्युबल इंप्योरिटीज होती हैं इवेपोरेशन के प्रोसेस में वो रिमूव नहीं हो पाती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो इंप्योरिटीज होती हैं इसे क्रिस्टलाइजेशन की मदद से हटाया जा सकता है आसानी से। तो यहाँ पे ये जो दो बेनिफिट्स हैं इसके, इसकी मदद से यहाँ पे जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है इसे ज्यादातर यूज किया जाता है इवेपोरेशन से, ठीक है। अब डायग्राम में देख लेते हैं। सो कैसे होगा यहाँ पे, सो सबसे पहले यहाँ पे बीकर लेंगे। बीकर में क्या है, यहाँ पे बॉइलिंग वाटर है, ठीक है। बॉइलिंग वाटर मतलब कि नीचे यहाँ पे बर्नर लगाया हुआ है, यहाँ पे जल रहा है, ठीक है। इसे यहाँ पे जो पानी है वो गर्म हो रहा है। पानी गर्म होगा तो यहाँ पे जो स्टीम होगी, ठीक है, स्टीम यहाँ पे जनरेट होगी। अब ऊपर यहाँ पे चाइनीज डिश रखी हुई है, इसमें क्या है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लो, या जो अभी हमने बात की सॉल्ट एंड वाटर की, ठीक है, अब उसकी बात ले लो। अब यहाँ पे ये जो स्टीम होगी, अब यहाँ पे इतनी ज्यादा गर्म तो नहीं होगी, अब इसकी मदद से यहाँ पे जो सॉल्ट और वाटर दोनों के यहाँ पे क्या किया जाएगा, सेपरेट किया जाएगा। यहाँ पे जो सॉल्ट होगा, ठीक है, अब वो यहाँ पे डीकम्पोज नहीं होगा, जो यहाँ पे हमें मुश्किलें देखने को मिल रही थी इवेपोरेशन प्रोसेस में, ठीक है। या तो आप यहाँ पे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन की ही एग्जाम्पल लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, कॉपर सल्फेट जो क्रिस्टल्स होंगे, ठीक है, वो यहाँ पे दिखने लग जाएंगे, उन्हें यहाँ पे अलग कर लिया जाता है इस प्रोसेस के दौरान, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम सेपरेशन बाय क्रोमैटोग्राफी। सो इस प्रोसेस में क्या होगा, यहाँ पे जो दो या दो से ज्यादा जो सॉलिड्स जो मिक्स होते हैं सॉल्यूशन में, उसे सेपरेट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ क्रोमैटोग्राफी। अब इसमें क्या होगा, वैसे तो इसकी बहुत सारी टाइप्स देखने को मिलती है क्रोमैटोग्राफी की, बट जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है वो क्या है, यहाँ पे पेपर क्रोमैटोग्राफी है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें, जैसे जो ब्लैक इंक होती है, अब यहाँ पे जो मिक्सचर होगा बहुत सारे कलर्ड सब्सटेंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे या डाई देखने को मिलेगी। अब इन्हें हम यहाँ पे सेपरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ पेपर क्रोमैटोग्राफी, ठीक है। सो सबसे पहले हम डायग्राम देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके जो यूज हैं या एप्लीकेशन है उसके बारे में देखेंगे। सो चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो जैसा आपको डायग्राम में दिखाया गया है, सो यहाँ पे क्या है, पेपर क्रोमैटोग्राफी। अब इसके ऊपर यहाँ पे एक स्पॉट लगाया हुआ है यहाँ पे ब्लैक इंक का, ठीक है। सो यहाँ पे पेंसिल लाइन लगाई हुई है। अब यहाँ पे ये जो फिल्टर पेपर है, अब जैसे यहाँ पे बीकर में जब हम इसे या ग्लास जार में जब हम इसे रखेंगे, तो यहाँ पे ग्लास रोड है। अब यहाँ पे हम सेलो टेप लगा देंगे, सो यहाँ पे इसे हम, ठीक है, यहाँ पे अंदर यहाँ पे आपको बीकर में क्या देखने को मिलेगा, पानी देखने को मिलेगा। अब जहां पे यहाँ पे स्पॉट लगाया गया है ब्लैक इंक, अब इसे हम पानी से लगभग 2 सेंटीमीटर ऊपर रखेंगे, ठीक है। तब यहाँ पे रखने के बाद जो पानी होगा, ठीक है, अब यहाँ पे, अब जैसे यहाँ पे पानी ऊपर की तरफ मूव करेगा जो पेपर क्रोमैटोग्राफी है, सो यहाँ पे जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो क्या होते रहेंगे, यहाँ पे अलग अलग होते रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे ब्लैक इंक थी, जैसे पानी का लेवल ऊपर की तरफ यहाँ पे बढ़ेगा पेपर क्रोमैटोग्राफी में, सो यहाँ पे जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो अलग अलग हो जाएंगे, जैसा कि यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे डिफरेंट कलर्ड स्पॉट्स ऑफ डाइस सेपरेटेड फ्रॉम ब्लैक इंक, सो इस वे के साथ यहाँ पे जो अलग अलग यहाँ पे दो या दो से ज्यादा जितने भी यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल्स होंगे उसको अलग किया जाता है यहाँ पे विद द प्रोसेस ऑफ क्रोमैटोग्राफी। सो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब इसके जो इस्तेमाल है वो कहाँ पे किया जाता है, सबसे पहले तो यही जो सेपरेट किया जाता है कलर्ड सब्सटेंस, ठीक है, डाइज वगैरह जो होती है या पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है, अब इनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है क्रोमैटोग्राफी का। और यहाँ पे जो फोरेंसिक साइंस
होती है, मतलब जो लेबोरेटरीज होती हैं, अब इसमें इस्तेमाल किया जाता है इसका। अब यहाँ पे जैसे कोई भी सब्सटेंस है, मतलब कि उसे पता लगाने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, लाइक पॉइजन जो होता है अगर किसी ने ले लिया है, ठीक है, ब्लैडर से या स्टोमेक में चला जाता है, सो उसका जो कंटेंट है उसे पता लगाने के लिए, यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए भी क्रोमैटोग्राफी का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पे डिस्टिलेशन। तो यहाँ पे लास्ट प्रोसेस है, ये सिक्स्थ प्रोसेस है। सो डिस्टिलेशन इसमें क्या होता है, अब जैसा कि हमने इवेपोरेशन के केस में देखा था कि जो साल्ट या साल्ट वाटर जो मिक्सचर था उसमें हम साल्ट को अलग करते थे, लेकिन उसमें जो पानी होता था, वाटर होता था, अब उसे हम रिकवर नहीं कर पाते थे, ठीक है, वो तो यहाँ पे हवा में ही चला जाता था, ठीक है, इवेपोरेट होके। अब लेकिन अगर हमने दोनों को रिकवर करना है, मतलब कि सॉल्ट भी चाहिए और वाटर भी चाहिए, दोनों ही चाहिए, तो हम डिस्टिलेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे, दोनों को अलग किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो डिस्टिलेशन प्रोसेस है इसमें क्या होगा कि सबसे पहले हम लिक्विड को गर्म करेंगे, गर्म करेंगे, जो लिक्विड होगा वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर बाद में यहाँ पे ये जो वेपर्स होंगे अब इसे ठंडा किया जाएगा, ठंडा करने के बाद यहाँ पे ये जो वेपर होगा बाद में वो इसमें लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यही क्या होता है यहाँ पे डिस्टिलेशन होता है, मतलब कि जैसे लिक्विड लिक्विड को गर्म किया, वेपर्स बन गए या गैस बन गया, गैस को अभी यहाँ पे ठंडा करेंगे तो क्या बन जाएगा, वापस से वो लिक्विड बन जाएगा। सो चलिए अब इसे हम डायग्राम में देख लेते हैं। सो जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया हुआ है, सो यहाँ पे ये क्या है, डिस्टिलेशन फ्लास्क, ठीक है, यहाँ पे वायर गेज रखी हुई है। सो यहाँ पे आपको दोनों साल्ट और वाटर मिक्सचर या साल्ट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। अब जैसे ही बर्नर की मदद से अब इसे गर्म किया जाएगा तो यहाँ पे जो पानी होगा, ठीक है, वो क्या होगा, यहाँ पे वाटर वेपर की मदद यहाँ पे वाटर वेपर बन जाएगा, स्टीम बन जाएगी। अब स्टीम को यहाँ पे जो अलग यहाँ पे ट्यूब लगाई गई है, सो यहाँ पे जो स्टीम होगी अब इसके थ्रू यहाँ पे अंदर जाएंगी, अब यहाँ पे ये जो ट्यूब होगी अब इसे क्या करेगा, यहाँ पे ये ठंडा किया जाएगा, अब इसे कूलिंग प्रोसेस यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। अब कूलिंग की मदद से यहाँ पे ये जो स्टीम होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे जितना भी पानी होगा वो सभी लिक्विड की फॉर्म में बाहर आ जाएगा और यहाँ पे अंदर क्या रह जाएगा, हमारे पास सिर्फ सॉल्ट रह जाएगा, क्लियर है। सो इसका यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है इस प्रोसेस का। अब इस यहाँ पे ये जो प्रोसेस है इसका इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारी कंट्रीज में, जैसे जो समुद्र का पानी होता है, ठीक है, वो सॉल्टेड होता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा उसमें सॉल्ट मिला होता है, सो वो हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते, पहले सॉल्ट को रिमूव किया जाता है, तब जाके हम जो पानी होता है वो स्वच्छ होता है, तब हम उसे यूज कर सकते हैं। सो बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे पानी की समस्याएं देखने को मिलती है, वहां पे इसका इस्तेमाल किया जाता है इस प्रोसेस का। सो है यहाँ पे ये जो प्रोसेस है बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ जाता है, लेकिन फिर भी जहां पे पानी की समस्याएं हैं वो कंट्री यहाँ पे इस प्रोसेस का इस्तेमाल करती हैं। सो वीडियो को पॉज करके एक बार इसे पढ़ लेना। सो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। सो नेक्स्ट यहाँ पे प्रोसेस है यहाँ पे कि दो लिक्विड्स हैं, अब उन्हें कैसे अलग किया जाएगा, ठीक है, पहले हमने पढ़ा सॉलिड और लिक्विड को कैसे अलग किया जाए, अब यहाँ पे हमारे पास दोनों ही लिक्विड है, दोनों को कैसे अलग किया जाए। सो लिक्विड यहाँ पे अलग करने से पहले हमें दो डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए, मिसिबल लिक्विड्स क्या होता है, इमिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं, दोनों के बारे में देख लेते हैं। तो वो लिक्विड्स जिसमें यहाँ पे जो दो लिक्विड्स होते हैं जो कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं और एक सिंगल लेयर बना देते हैं, उसे मिसिबल लिक्विड बोला जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एल्कोहल और वाटर, दोनों को मिक्स करेंगे यहाँ पे एक ही फॉर्म में, यहाँ पे एक ही लेयर बन जाएगी ये, ठीक है। तो यहाँ पे अल्कोहल का साइंटिफिक नेम है इथेनॉल, ठीक है, ये याद रखना। अब दूसरी तरफ अगर जो वाटर और एसीटोन, ठीक है, यहाँ पे दोनों को मिक्स करेंगे ये भी एक सिंगल लेयर में बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो मिक्सचर है ये क्या है, यहाँ पे मिसिबल लिक्विड है, ठीक है, जिसे सेपरेट किया जाएगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से, ये हम आगे देखेंगे। सेकेंड आपको पता होना चाहिए डेफिनेशन इमिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं, इसमें जो दो लिक्विड्स होंगे वो कंप्लीटली मिक्सअप नहीं होंगे और ना ही वो एक लेयर बनाएंगे, यहाँ पे दो अलग अलग लेयर देखने को मिलेगी। अब जैसे ऑयल और वाटर दोनों क्या है, अलग अलग लेयर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगी, ठीक है, इसे क्या बोला जाएगा, यहाँ पे इमिसिबल लिक्विड बोला जाएगा, इसे यहाँ पे
अलग किया जाएगा सेपरेटिंग फनल की मदद से। ठीक है, सो सबसे पहले यहाँ पे दोनों के बारे में देख लेते हैं, अल्कोहल एंड वाटर। जब दोनों को मिक्स करेंगे यहाँ पे ये मिक्सअप हो जाएगा कंप्लीटली, पता भी नहीं लगेगा यहाँ पे पानी कौन सा है, यहाँ पे इथेनॉल या अल्कोहल कौन सा है, दोनों कंप्लीटली मिक्स हो जाएंगे। दूसरा यहाँ पे ऑयल एंड वाटर, ठीक है, वाटर यहाँ पे नीचे रह जाएगा क्योंकि वाटर क्या है यहाँ पे हैवियर है। ठीक है, ऑयल यहाँ पे क्या है इसे यहाँ पे जो वो लाइटर फॉर्म में होता है, ठीक है, लाइटर फॉर्म में होने की वजह से ये ऊपर रह जाएगा। ठीक है, सो ऑयल एंड वाटर, सो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। सो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, अभी हम देख लेते हैं सबसे पहले फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सेपरेशन। तो इसमें क्या होगा कि दो या दो से ज्यादा जो मिसेबल लिक्विड्स होंगे उन्हें डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा अलग किया जाएगा। सो ये डिपेंड करते हैं इनके जो अलग अलग टेम्परेचर होते हैं, बॉइलिंग एट टेम्परेचर। ठीक है, सो देख लेते हैं। सो फर्स्ट है यहाँ पे मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर। सो यहाँ पे एल्कोहल और वाटर यहाँ पे क्या है, दोनों मिसेबल लिक्विड्स हैं। अब जब इसे बॉइल किया जाएगा, एल्कोहल का यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट होता है 78 डिग्री सेल्सियस और वाटर का आप सभी को पता है 100 डिग्री सेल्सियस होते हैं। क्लियर है? तो इसे डायग्राम की मदद से हम समझते हैं। सो कैसे यहाँ पे, सो जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया, ठीक है, जैसे बर्नर है, सो वायर गेज यहाँ पे दिखाया हुआ है, सो ट्राइपॉड स्टैंड है, सो डिस्टिलेशन फ्लास्क है। इसमें डिस्टिलेशन फ्लास्क में आपको मिक्सचर देखने को मिलेगा एल्कोहल एंड वाटर का। सो यहाँ पे ऊपर थर्मामीटर लगाया हुआ है। अब यहाँ पे जब हम इसे गर्म करेंगे, सो गर्म करने के बाद यहाँ पे जो एल्कोहल, ठीक है, जैसे ही ये गर्म होगा, सबसे पहले यहाँ पे जो एल्कोहल का भी हमने पढ़ा कि जो बॉइलिंग यहाँ पे टेम्परेचर होता है इसका वो कितना होता है 78 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे ही ये गर्म हो गए 78 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंचेगा, थर्मामीटर लगा हुआ है ये बताएगा हमें। सो यहाँ पे जो वेपर्स होंगे, ठीक है, वेपर्स यहाँ पे जो वाटर कंडेंसर होगा, ठीक है, सो यहाँ पे ये क्या होगा, कूलिंग होगा, यहाँ पे ठंडा होगा। सो यहाँ पे जो वेपर्स होंगे वो यहाँ पे ठंडा होने के बाद लिक्विड की फॉर्म में यहाँ पे एक अलग बीकर में उसे अल्कोहल में उतार लिया जाएगा। अब दूसरी तरफ जैसे ही टेम्परेचर अब हम और बढ़ाएंगे, यहाँ पे आग को तेज करेंगे, जैसे ही यहाँ पे टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंचेगा तो यहाँ पे जो पानी होगा वो बॉयल होगा, ठीक है, फिर वो वाटर वेपर बनेंगे, फिर वो सेम प्रोसेस यहाँ पे जो कंडेंसर है वाटर कंडेंसर इसके थ्रू यहाँ पे जब वो गुजरेगा ठंडा हो जाएगा। ठीक है, कूलिंग प्रोसेस यहाँ पे दिया जा रहा है। ठंडा होने के बाद अलग से यहाँ पे एक दूसरा बीकर रखा जाएगा, उसमें यहाँ पे जो लिक्विड होगा यानी कि पानी होगा उसमें उसको स्टोर कर लिया जाएगा। ऐसे दोनों को यहाँ पे अलग कर लिया जाता है इस प्रोसेस के दौरान। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ ज्यादा इसमें नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे एप्लीकेशन है कहाँ कहाँ पे इसका यूज किया जाता है। अब जैसे कि हमने पढ़ा कि यहाँ पे सेपरेट करने के लिए मिक्सचर, ठीक है, जो दो अलग सेम मिक्सचर जैसे एक ही लेयर बना देते हैं, ठीक है, जैसे अल्कोहल वाटर मिक्सचर हो गया, एसीटोन वाटर हो गया, सो लैबोरेटरीज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसे दूसरा क्या है, यहाँ पे जो क्रूड ऑयल जो पेट्रोलियम होता है इनको अलग करने के लिए भी यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे जो गैसेज होते हैं, अब हवा में जैसे नाइट्रोजन गैस हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, जो ये गैसेज है अब इनको अलग अलग करना है, सो इसको भी अलग किया जाता है विद द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। नाइट्रोजन को अलग कर लिया जाएगा, ऑक्सीजन को अलग कर लिया जाएगा, सो इनको भी अलग किया जाता है, सो यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। सो चलिए नेक्स्ट यहाँ पे सेपरेटिंग फनल की ओर मूव करते हैं। सो यहाँ पे जो दो इमिसिबल लिक्विड्स होंगे, ठीक है, उनको अलग किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सेपरेटिंग फनल। सो यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया सेपरेटिंग फनल के बारे में। सो ऑब्वियस जैसे कि हमने देखा था कि जो हैवियर लिक्विड होगा जैसे पानी हो गया वो नीचे होगा, जो लाइटर लिक्विड होगा, ठीक है, जैसे ऑयल हो गया वो ऊपर की तरफ होगा। अब यहाँ पे स्टॉप कॉक लगा हुआ है, ठीक है, अब इसे जब हम खोलेंगे जो पानी होगा वो नीचे बीकर में आ जाएगा, हैवियर जो लिक्विड होगा सबसे पहले हम उसे उतार लेंगे नीचे। अब जैसे यहाँ पे ये लिक्विड नीचे आ जाएगा अब उसके बाद इसे बंद कर देंगे, अनदर बीकर लेंगे जो यहाँ पे ऑयल होगा, फिर हम उसे अलग कर लेंगे। बिल्कुल आसान मेथड है, तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं था। और आई होप आप लोगों ने किया होगा जो प्रैक्टिकल मेथड है कि जैसे लेट्स सपोज कि अगर आप एक बोतल लो, बोतल में जब आप पेट्रोल भरवाने जाते हो, ठीक है, ज्यादातर पेट्रोल पंप क्या होते हैं पानी वगैरह मिक्स किया होता है, आई होप आप लोगों को पता ही होगा। तो जब आप उसे बोतल में यहाँ पे डलवाओगे तो कुछ समय के बाद आप देखोगे जो पानी होगा वो नीचे बैठ जाएगा क्योंकि हैवी होता है, तो पेट्रोल होगा वो आपको ऊपर देखने को मिलेगा। ठीक है, सो वो भी क्या है सेम, अगर उसे अलग करना चाहते हो तो नीचे बोतल में से सुराख कर लेना, सो पानी यहाँ पे अलग हो जाएगा, यहाँ पे जो कला
ओनली यहाँ पे जो पेट्रोल रह जाएगा उसे एक अलग बोतल में यहाँ पे उतार सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिंपल प्रैक्टिकल मेथड है, आप करना चाहे तो इसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे लास्ट टॉपिक है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स। पहले हमने सॉलिड लिक्विड के बारे में पढ़ा, फिर लिक्विड लिक्विड के बारे में पढ़ा, अभी हम सॉलिड सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट टॉपिक है। सो यहाँ पे सेपरेशन बाय अ सूटेबल सॉल्वेंट। सो फर्स्ट यहाँ पे सॉल्वेंट के बारे में देखेंगे। तो इसमें यहाँ पे दो सॉलिड होंगे। ठीक है, एक तो यहाँ पे होगा कि सॉल्युबल फॉर्म में होगा, मतलब कि वो आसानी से लिक्विड में घुल जाएगा। दूसरा होगा जो इनसॉल्युबल होगा, मतलब कि वो पानी में नहीं घुलेगा। ठीक है, जैसे अभी हम यहाँ पे वाटर, शुगर और सैंड ले लेते हैं। अब यहाँ पे जो शुगर होगा ये तो पानी में घुल जाएगी, लेकिन यहाँ पे जो सैंड होगी ये पानी में नहीं घुलेगी। अब यहाँ पे सैंड को हम आसानी से अलग कर सकते हैं। ठीक है, सो इसके बारे में हम चलिए डायग्राम में देख लेते हैं। सिंपल प्रोसेस है यहाँ पे। सो सबसे पहले हम शुगर और सैंड मिक्सचर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें पानी मिला देंगे। पानी मिलाने के बाद यहाँ पे जो शुगर होगी वो पानी में मिक्स हो जाएगी और यहाँ पे जो सैंड होगी ये पानी में मिक्स नहीं होगी, ये नीचे बैठ जाएगी। अब हम यहाँ पे जो फनल, फनल में यहाँ पे फिल्टर पेपर लेंगे, वही सेम प्रोसेस अब इसके थ्रू यहाँ पे पास करवाएंगे। जो पानी होगा लिक्विड होगा वो तो यहाँ पे नीचे चला जाएगा बिकर में, और यहाँ पे जो सैंड होगा, जो रेसिड्यू होंगे वो यहाँ पे रह जाएंगे। सो आसानी से हम यहाँ पे जो सॉलिड पार्टिकल है उनको अलग किया जा सकता है। सो सेकंड यहाँ पे सेपरेशन बाय सब्लिमेशन देख लेते हैं। सो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सब्लिमेशन क्या होता है। सो जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में डिटेल में इसके बारे में देखा था कि जो सॉलिड होता है अब उसे डायरेक्टली यहाँ पे वेपर में कन्वर्ट किया जाता है उसे गर्म करके, और यहाँ पे ये जो वेपर्स होते हैं अब इसे ठंडा करके डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, सब्लिमेशन बोला जाता है। अब यहाँ पे जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं अब उसे ठंडा करने के बाद जो प्राप्त किए जाते हैं अब इसे क्या बोला जाता है, सब्लिमेट बोला जाता है। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल देखने को मिलेगी, जैसे अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, ठीक है, नेप्थोलीन, एंथ्रोसीन, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेगी। अब जिसे यहाँ पे डायरेक्ट सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट किया जाएगा उसे गर्म करके, बाद में वेपर से उसे सॉलिड में कन्वर्ट किया जाएगा उसे ठंडा करके। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया। सो चलिए डायग्राम में देखते हैं। अब जैसे वही सेम प्रोसेस है, यहाँ पे चाइनीज डिश है। सो यहाँ पे मिक्सचर रखा हुआ है सॉल्ट का और अमोनियम क्लोराइड का। जब इसे गर्म किया जाएगा तो अमोनियम क्लोराइड होगा वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे हीट होके वो वेपर बन जाएंगे। वेपर बन, अब यहाँ पे जो ये क्या है, यहाँ पे ग्लास फनल है। अब इसे यहाँ पे उल्टा करके रखा हुआ है, यहाँ पे कॉटन प्लग लगाया हुआ है। सो यहाँ पे जो अमोनियम क्लोराइड होंगे गर्म होने के बाद वेपर की फॉर्म में यहाँ पे चिपक जाएगा, बाद में इसे यहाँ पे ठंडा करके यहाँ पे ये सॉलिड की फॉर्म में इसे अलग कर लिया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान मेथड है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। लास्ट टॉपिक है यहाँ पे सेपरेशन बाय अ मैग्नेट। मैग्नेट की मदद से भी यहाँ पे सॉलिड को, सॉलिड यहाँ पे जो होते हैं इनको अलग किया जाता है। सो जैसे कि आयरन है, अब आयरन यहाँ पे मैग्नेट के द्वारा उसे अट्रैक्ट कर लिया जाता है। सो यहाँ पे जो आयरन की प्रॉपर्टी है अब इसका इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे मिक्सचर में। अब जैसे सपोज करो कि यहाँ पे मिक्सचर है कि आयरन और यहाँ पे अदर ऑब्जेक्ट, अब दोनों को यहाँ पे अलग किया जाएगा मैग्नेट की मदद से। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आयरन फिलिंग्स है और यहाँ पे सल्फर पाउडर है। अब यहाँ पे दोनों मिक्स हैं, अब हम मैग्नेट की मदद से यहाँ पे जो आयरन होगा अब उसे तो अलग कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो आयरन होगा ये क्या होगा, यहाँ पे मैग्नेट से चिपक जाएगा और जो सल्फर पाउडर होगा ये अलग रह जाएगा। ठीक है, और भी यहाँ पे इसके बहुत सारे इस्तेमाल है, जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया कि यहाँ पे मिक्सचर है आयरन फिलिंग्स और सल्फर पाउडर का। अब मैग्नेट की मदद से यहाँ पे जितने भी यहाँ पे आयरन होंगे वो सभी चिपक जाएंगे किसके ऊपर, मैग्नेट के ऊपर। सो यहाँ पे अलग किया जाएगा। हॉस्पिटल्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसे आईज में जो आंखें होती है अब उसमें यहाँ पे जो छोटे छोटे जो आयरन और स्टील पार्टिकल्स होते हैं वो आंखों में चले जाते हैं, जो फैक्ट्रीज वर्कर होते हैं जो काम करते हैं वहां पे। सो हॉस्पिटल में जो डॉक्टर के द्वारा यहाँ पे जो मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है आंखों में से यहाँ पे ये जो पार्टिकल्स को निकालने के लिए। और यहाँ पे जो वेस्ट मटेरियल, ठीक है, होता है यहाँ पे, सो क्रेन की मदद से जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होती हैं अब इनकी मदद से यहाँ पे जो आयरन होते हैं, आयरन स्क्रैप आयरन, ठीक है, उसको यहाँ पे अलग किया जाता है इनकी मदद से, इलेक्ट्रोमैग्नेट की मदद से। ठीक है, सो यहाँ पे अलग अलग इनके एप्लीकेशन हो जाएंगी, सो आप एग्जाम में लिख सकते हैं। सो आई होप आपको यहाँ पे वीडियो समझ में आया होगा। सो पार्ट नंबर फोर्थ यहाँ पे ये जो चैप्टर है वो फिनिश हो चुका है। अब इसके बाद हम
यहाँ पे फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसके बाद बायो का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट कोचिंग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे दी जा रही है, तो ऐसे कोचिंग की जरूरत नहीं है, नोट्स के साथ ऐसे आपको डिटेल में करवाया जाएगा। सो अपने आसपास फाइल रखें, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे उगाएं, ग्रीन इंडिया की तरफ मूव करना, यही हमारा लक्ष्य है। सो जय हिंद, हैव अ फैंटास्टिक डे।